योजना तो बहुत बढ़िया है, ये तो शुरुआत है अभी, उसके बाद और अन्य लोग जाएंगे, ये तो हमारे पुराने कार्य सेवक लोग जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ट्रेन के बारे में? बहुत सुंदर है, सुलभ यात्रा हो रही है हमारी, ट्रेन स्वच्छ है, सब चीज बढ़िया, सब राममय है। छोटी जगह से भी हमको जाने का मिल रहा है, ये तो बहुत सौभाग्य का विषय। इसके साथ ही ये मैं मानता हूँ कि मैं उस पीढ़ी का हूँ, हमारी पूर्व पीढ़ी के लोग वहाँ जाते थे और वहाँ पर टेंट में रामलाला को देखते थे। हजारों लाखों कार सेवक जिनके परिश्रम और शहादत के बाद आज एक ऐसा भव्य दिन सनातनियों के लिए आया है और पूरे हिंदू समाज के लिए आया है, मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, अब पूरे विश्व से लोग रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। जहाँ 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो आज सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बना हुआ है अयोध्या, जहाँ जब लोगों को जाना पड़ता था, यात्रा करनी पड़ती थी, सुविधाएँ बहुत कम मिलती थी, उन्हीं सुविधाओं को लेकर छत्तीसगढ़ में ट्रेन चलाई जा रही है, आस्था स्पेशल ट्रेन, जो कि अब अयोध्या जाएगी और लोग अयोध्या पहुंचकर भगवान श्री राम के दर्शन कर पाएंगे। आइए आज वो स्टार्ट होने वाली है भाटापारा स्टेशन से, कितने लोग वहां जा रहे हैं और उनकी आस्थाएं क्या है ये जानने का प्रयास करते हैं। जी सर, आप बताएंगे आज भाटापारा स्टेशन से आस्था विशेष जो ट्रेन चल रही है उसमें आप अयोध्या जा रहे हैं, क्या सोचते हैं ट्रेन के बारे में और आस्था के बारे में, भगवान श्री राम के बारे में? जी, हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है कि 22 तारीख की भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने के पश्चात एक बहुत चिर प्रतीक्षित समय हम लोगों के पास आया है और हम सब के लिए सौभाग्य के विषय है कि आज एक आस्था एक्सप्रेस के माध्यम से आज जो प्रारंभ हो रही है, आज भगवान रामलला के दर्शन करने के लिए सारे भक्तगण, राम भक्त आज जा रहे हैं और इसको हम सब शब्दों में बयान करना संभव नहीं है। हम सारे कार्यकर्ता सभी सब लोग भगवान रामलला के दर्शन के लिए बहुत उत्सुक हैं और बहुत ललायित हैं और हम सब इसको शब्दों में बयान करना हमारे लिए संभव नहीं है। परिचय बता देंगे, बलराम यदु रायपुर। जैसा कि भाटापारा छोटा सा स्टेशन है, वहाँ से भी ये सुविधाएं मिल रही है, क्या देखते हैं भाटापारा स्टेशन में ये सुविधा है, अयोध्या जाना है, रामलला के दर्शन करेंगे, क्या सोचते हैं? भाटापारा स्टेशन छोटी जगह से भी हमको जाने का मिल रहा है, ये तो बहुत सौभाग्य का विषय। इसके साथ ही ये मैं मानता हूँ कि मैं उस पीढ़ी का हूँ, हमारी पूर्व पीढ़ी के लोग वहाँ जाते थे और वहाँ पर टेंट में रामलला को देखते थे और वहाँ संकल्प लेते थे कि जो है रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे। तो हम उस पीढ़ी के लोग हैं कि आज वो भव्य राम मंदिर बन गया, वहाँ पर रामलला भव्य रूप में विराजमान है और उस भव्यता को देखने का हमको सौभाग्य मिल रहा है। मैं उस पीढ़ी का हूँ, मैं 1992 के बाद जन्म लेने वाला हूँ, हमारी पूर्व पीढ़ी के लोग गए वहाँ पर उस कलंक को ढहाया, लेकिन हम उस पीढ़ी के हैं कि आज वहाँ भव्य राम मंदिर बन गया, उसका दर्शन करेंगे और आने के बाद इसका प्रसार, उस भव्यता का प्रसार हम अपने क्षेत्र में भी, भाटापारा में और पूरे जिले में करेंगे। चलिए, राम रामलला का मंदिर बन चुका है, लेकिन अब यह नारा होने लग गया है कि अब मंदिर तो वही बन चुका है, दर्शन हम कराएंगे। ये छत्तीसगढ़ शासन भाजपा सरकार लेके चल रही है, घोषणा पत्रों में इस स्पेशल ट्रेन का जिक्र था, आज वह चलने लगी है और लोग आज दर्शन के लिए जा रहे हैं, जानते हैं उनसे क्या देखते हैं इस आस्था ट्रेन के बारे में। एक तो सबसे पहले मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि भाटापारा से मुझे इस आस्था ट्रेन में चढ़ने का अवसर मिला है, इसके लिए मैं भगवान प्रभु श्री राम जी का और उन्हीं के आशीर्वाद से आज हम वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं, जिसमें हजारों लाखों कार सेवक जिनके परिश्रम और शहादत के बाद आज एक ऐसा भव्य दिन सनातनियों के लिए आया है और पूरे हिंदू समाज के लिए आया है, मैं अपने आप को गौरवान्वित मानता हूँ और प्रभु श्री राम जी के दर्शन के लिए जो भव्यता आज जो हम देखते हैं, जो हजारों लाखों साल पहले हुआ करता था, उसको आज मुझे प्रत्यक्ष देखने का अवसर मिलेगा, यह केवल और केवल प्रभु श्री राम और हनुमान जी की कृपा से मुझे आज यह अवसर मिल रहा है। देखिए, मंदिर के दर्शन के लिए लोग जा रहे हैं, यात्री जा रहे हैं, अब एक छोटा सा जो भाटापारा निवासी भी हैं वो देखते हैं कि भाटापारा में स्टेशन में वो ट्रेन रुकने वाली है, यहाँ से लोग जाएंगे, वो क्या कहेंगे? जय जय श्री राम। देखिए, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, अब पूरे विश्व से लोग रामलला का दर्शन करना चाहते हैं। 500 वर्षों के अथक प्रयास के बाद हमें यह अवसर मिला है कि पूर्व पीढ़ियों ने कार सेवक करके वहाँ पास राम मंदिर की पहल की, आज राम मंदिर बन चुका है और हर जनमानस रामलला का दर्शन करना चाहता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने परिजनों को छोड़ने के लिए आया हूँ जो अयोध्या की ओर जा रहे हैं, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ से भी 6 ट्रेनें
छत्तीसगढ़ से भी 6 ट्रेनें प्रशासन के द्वारा हमको प्रोवाइड कराई जा रही है और हम लोग बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमको ये अवसर मिल रहा है। और यहाँ पर दुर्ग से अयोध्या धाम जाने वाली गाड़ी भाटापारा पहुँच चुकी है, आस्था स्पेशल। लोग बैठे हुए हैं, उत्साहित हैं। चलिए उनसे बात करते हैं कि किस तरह से वो देखते हैं। और यहाँ पर मेरे ख्याल से कार सेवक भी है, उनसे बात करते हैं। किस तरह से देखते हैं गाड़ी जा रही है जी? अयोध्या जा रहे हैं, अयोध्या जा रहे हैं, 33 साल बाद जा रहे हैं। हम अपने भांजे से मिलने जा रहे हैं जी। बस कैसे देखते हैं इस ट्रेन के बारे में और यह योजना है उसके बारे में? योजना तो बहुत बढ़िया है, ये तो शुरुआत है अभी, उसके बाद और अन्य लोग जाएंगे। ये तो हमारे पुराने कार्य सेवक लोग जा रहे हैं। आप कैसे देखते हैं ट्रेन के बारे में? बहुत सुंदर है, सुलभ यात्रा हो रही है हमारी, ट्रेन स्वच्छ है, सब चीज बढ़िया, सब राममय है। और आगे ये ऐसी सुविधाएं और कैसे मिलेगी? ऐसी मिलते रहे सबको, और हमारे जो आएंगे चुनाव के बाद हमारे यात्री, उनको यही सुविधा मिलते रहे के लिए, रामलला के दर्शन के लिए। बहुत अच्छी अच्छी व्यवस्था है और इस व्यवस्था के साथ जाने में अच्छा लगता है कि एक व्यवस्था भी अच्छी है और सब लोग एक सम विचार हो के जा रहे हैं, समरस हो के जा रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। एक राममय वातावरण है, अगर एक राममय वातावरण है। देखिए सभी खुशी से आज अयोध्या की तरफ जा रहे हैं, रवाना हो रहे हैं। ट्रेन भाटापारा पहुंची है, आस्था स्पेशल ट्रेन। सभी लोग अपने आस्था में डुबकी लगाने के लिए रामलला राम जन्मभूमि जा रहे हैं। दुर्ग से अयोध्या जाने वाली स्पेशल ट्रेन भाटापारा पहुंची, जिसमें आस्था में डुबकी लगाने के लिए भाटापारा से 22 भक्तों की टोली अयोध्या धाम के लिए रवाना हुई, जहां रामलला के और राम जन्मभूमि के दर्शन वहां पर करेगी। बहुत ही राममय वातावरण में यह स्पेशल ट्रेन यहां से गुजरी। बजरंग ध्रुव के साथ कोमल शर्मा, IBC 24 भाटापारा।